कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की अफवाह पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रही है, जबकि दोनों कलाकारों ने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है। अब कियारा के लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी शादी की घोषणा करने वाली हैं। रविवार को गोविंदा नाम मेरा एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कियारा अडवाणी को शर्माती और अपनी मिलियन डॉलर की मुस्कान बिखेरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा है, इससे लंबे समय तक सीक्रेट नहीं रख सकते, जल्द ही घोषणा हो रही है, बने रहिए 2 दिसंबर। इसके साथ उन्होंने घड़ी की इमोजी भी शेयर की है। एक्ट्रेस की इस वीडियो पर फैंस जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है, आपकी शादी होने वाली है, इसी की अनाउंसमेंट करनी है आपको। तो वही एक यूजर ने लिखा है, मुझे पता है आप और सिर्फ अगले साल शादी करने वाले हो, ये अच्छी खबर है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, आपकी शादी आपके क्रश के साथ फिक्स हो गई है। एक यूजर ने लिखा, सिद्धार्थ सर और कियारा मैम की सगाई हो सकती है, शायद यही होगा। तो वही एक यूजर ने लिखा, क्या अनाउंसमेंट हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी ने अपनी शादी के लिए चंडीगढ़ के द ओबराय सुख विलासा स्पा एंड रिजॉर्ट को फाइनल किया है। ये वही जगह है जहां राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शादी की थी। पहले ये कपल गोवा में साथ फेरा लेना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वेडिंग वेन्यू को चेंज किया गया। वहां दोनों की प्री वेडिंग फंक्शन दिल्ली में होने वाली है, क्योंकि वह सिड के माता पिता और करीबी दोस्त रहते हैं। हो सकता है कि दिल्ली में शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन भी हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी एक भारतीय रीति रिवाज से शादी करने वाले हैं। दोनों पंजाबी और सिंधी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सात फेरे लेंगे। कपल की शादी में बॉलीवुड से कोई भी नहीं होगा। हालांकि शादी के बाद दोनों मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट तो जरूर ही करेंगे, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज नजर आएंगे। बता दें कि इससे पहले खबरें आई थी दोनों अगले साल अप्रैल में शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।